हेलो, आप देख रहे हैं दिल लल्लन टॉप। नवाजुद्दीन सिद्दीकी इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म ठाकरे को लेकर काफी चर्चा में बने हुए हैं। हर तरफ ठाकरे और कंगना की जो पीरियड ड्रामा फिल्म आने वाली है मणिकर्णिका, उसके बीच में होने वाली बॉक्स ऑफिस की क्लैश को लेकर बातें हो रही हैं। इन खबरों से अलग नवाज की एक और फिल्म आ रही है, नाम है फोटोग्राफ। पब्लिक डोमेन में अब तक इस फिल्म की सिर्फ कुछ तस्वीरें ही आपको मिलेंगी। इसके अलावा मेकर्स के बयान और ट्वीट ही हैं जो फिल्म को लेकर उत्सुकता जगा रहे हैं। इंडिया से पहले फोटोग्राफ का वर्ल्ड प्रीमियर होने जा रहा है दुनिया के कुछ फेमस फिल्म फेस्टिवल्स में। ऐसे में हम आपको बताते हैं कि ये फिल्म किस बारे में है, किसने बनाई है, किन किन लोगों ने काम किया है इसमें और किन फेस्टिवल्स में ये दिखाई जाने वाली है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि किस बारे में है ये फिल्म फोटोग्राफ। ये एक फोटोग्राफर की कहानी है, एशिया के सबसे बड़े स्लम धारावी में रहने वाले एक ऐसे फोटोग्राफर की कहानी जिसने अब तक अपने जीवन में कुछ कमाया बनाया नहीं है। मुंबई के अलग अलग गली कूचों में जाकर घूम घूम कर वो तस्वीरें खींचता फिरता है। वो अपने लिए कुछ करना चाहता है, इसके लिए उसे कुछ समय चाहिए, वो समय जो उसकी दादी उसे देने के लिए तैयार नहीं है। वो उसे शादी करके घर बसाने के लिए परेशान कर रही है क्योंकि दादी और इस फोटोग्राफर दोनों की उम्र काफ़ी हो गई है। इस दबाव से बचने के लिए वो एक तोड़ निकालता है। उसे एक लड़की मिलती है, थोड़ी शर्मीली सी, गुमसुम सी रहने वाली। बड़ी मुश्किल से वो उसे मनाता है और अपनी मंगेतर बताकर दादी से मिलवाता है। अब दादी से शिफ्ट होकर ये कहानी उस फोटोग्राफर और उस लड़की पर आ जाती है। इन दोनों के बीच कुछ अलग ही होने लगता है, जो वो करना नहीं चाहते या जिसके बारे में कभी सोचा नहीं है वो होने लगता है। एक ओर करियर है और दूसरी तरफ लड़की है, चॉइस मुश्किल है। फोटोग्राफर दोनों चुनना चाहता है, दिक्कत बढ़ने लगती है। अब वो आदमी इस सब को कैसे हैंडल करता है, फिल्म फोटोग्राफ उसी के बारे में, उसी की जर्नी आपको बताएगी। अब बताते हैं कि कौन कौन इसमें काम कर रहा है। वीडियो की शुरुआत ही नवाज के नाम से हुई थी, इसलिए ये तो क्लियर है कि फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी आपको दिखने वाले हैं। वो फोटोग्राफर यानी लीड रोल निभाएंगे इसमें। उनकी दादी का जो रोल करेंगी वो सुल्तान फिल्म में सलमान खान की भी दादी बनी थी, उनका नाम है फारूक जफर। शर्मीली गुमसुम सी रहने वाली लड़की का रोल किया है दंगल, पटाखा और बधाई हो जैसी फिल्में कर चुकी सानिया मल्होत्रा ने। इन तीनों के अलावा फिल्म में आपको जिम सर्फ, गीतांजलि कुलकर्णी, विजय राज, आकाश सिन्हा, सहर्ष कुमार शुक्ला और श्रीधर दुबे दिखने वाले हैं। अब जानिए कि किसने बनाई है ये फिल्म। फोटोग्राफ को डायरेक्ट किया है रितेश बत्रा ने। रितेश से पहले इरफान खान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और निमरत कौर के साथ फिल्म द लंच बॉक्स बना चुके हैं, दुनिया भर में वाहवाही बटोर चुके हैं। द लंच बॉक्स और फोटोग्राफ के बीच दो हॉलीवुड फिल्में भी डायरेक्ट कर चुके हैं, जनवरी 2017 में द सेंस ऑफ एन एंडिंग और सितंबर 2017 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई फिल्म आवर सोल्स एट नाइट उन्होंने डायरेक्ट की है। फोटोग्राफ जब उन्होंने डायरेक्ट करने के लिए चुनी तब उन्हें फाइनेंस के लिए काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा। काफ़ी जद्दोजहद के बाद उनकी इस फिल्म में US, जर्मनी और इंडिया के तीन अलग अलग प्रोडक्शन कंपनियों ने पैसा लगाया, तब जाकर ये फिल्म बनी है। फोटोग्राफ का पहला प्रीमियर होगा सनडांस फिल्म फेस्टिवल में, जो 24 जनवरी 2019 से शुरू होकर 3 फरवरी तक चलेगा। इसे अमेरिका में इंडिपेंडेंट फिल्मों का सबसे बड़ा फेस्टिवल माना जाता है, जहां दुनिया भर की सीमित बजट में बनी फिल्मों को दिखाया जाता है। इंडिपेंडेंट का मतलब बिना किसी बड़े स्टूडियो के सपोर्ट से बनी छोटे बजट की फिल्मों से है। 2019 सनडांस फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शन के लिए दुनिया भर की कुल 112 फिल्मों का चुनाव किया गया है। इस फेस्टिवल से जुड़ा एक दिलचस्प प्रिव्या ये है कि साल 112 में से 45 फिल्में महिला फिल्म मेकर्स की हैं। जी, ये उसी दौर में हो रहा है जब 2018 में विश्व प्रसिद्ध वेनिस फिल्म फेस्टिवल में सिर्फ एक और कान फिल्म फेस्टिवल में 3 महिला फिल्म मेकर की फिल्मों को प्रदर्शन के लिए चुना गया था। एनीवेज, फोटोग्राफ के अलावा इस फेस्ट में जोया अख्तर की रणवीर सिंह स्टारर गली बॉय को भी प्रीमियर के लिए चुना गया है। ये दोनों ही फिल्में फेस्टिवल के बर्लिन स्पेशल फिल्म्स कैटेगरी में दिखाई जानी है। फोटोग्राफ की इंडिया में रिलीज होने की तारीख 8 मार्च 2019 है। साथ ही इसे अमेजॉन प्राइम पर भी रिलीज किया जाएगा। यह अमेजॉन की पहली ओरिजिनल इंडियन फिल्म होगी। अच्छी लग रही है तो फॉलो करते रहिए द लल्लन टॉप, और इस फिल्म को अगर आप देखना चाहते हैं तो बाकी आप जानते हैं। अगर आप देख रहे हैं इसे फेसबुक पर, हमारा पेज लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करिए, और अगर एक स्मार्टफोन यूज़र हैं
तो आप जानते हैं कि आपको क्या करना है। शुक्रिया।